दिलावर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार दिलावर साहब, क्या चल रहा है राजस्थान में, क्या राजनीति का क्या मिजाज है, क्या लग रहा है? अब कांग्रेस भी अपने 4 साल का जश्न मनाने की तैयारियों में है, यात्रा भी चल रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? जो 4 साल से कांग्रेस ने पाप किया है, जनता का न्याय किया है, उसकी खुशियां मनाने वाले हैं, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो जनता को परेशान करके खुश होते हैं, इसलिए उसकी खुशियां मनाना है। कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कितने महिला कितने अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं की जी। और गरीब लोगों को जो प्रधानमंत्री से गेहूँ मिलने वाला सस्ता, 4,46,00,000 लोगों को अनाज मिलता है, अरे से ज्यादा गरीब है नहीं, लेकिन सारा गेहूँ गरीबों को नहीं पहुंच रहा है, कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा भारत सरकार पूरा दे रही, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास लगभग पूरे हो गए, राजस्थान अभी 15% भी नहीं पूछा पर पहुंचा, और यानी राजस्थान लगभग 28 से 29 स्थान पर है। तो जो ज्यादतियां की है उसका जश्न मना रहे हैं कि हमने जनता को परेशान करके बहुत अच्छा किया है। तो सर क्या देखते हैं अभी, चूंकि राजस्थान में जो राजनीति इस समय चल रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस की बात करती है, आपको क्या लगता है कि जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारियों में है? कांग्रेस तैयारी तो क्या करेगी, वो तो लड़ रहे हैं, उनके लड़ने से फुर्सत नहीं है, उन्हीं के सहयोगियों को वो कहते हैं गद्दार है, मक्कार है, नाकारा है जी। और आपको पता है कोई कोई तो असली चीजों में पकड़े जा रहे हैं, और फिर कांग्रेस हताश और निराश होकर योजना बना रही है कि भाई मोदी लोकतंत्र बचाना है जी। तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो, यानी इस स्तर तक आ गई है निकृष्टता की, निकृष्टता की भी पराकाष्ठा है जी। तो क्या तैयारियां करेगी वो, तो इसलिए कि मोदी जी को मार दे तो फिर पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन जिस पर 135 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद हो उसका दुष्ट लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सर क्या लगता है बीजेपी की जो जनाक्रोश यात्रा निकल रही है वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब दे रही है लोगों के बीच पहुंचकर? भारत जोड़ो यात्रा का कोई जवाब देना भी नहीं चाहते, उनका क्या जवाब, क्या जवाब दें? खाई की यात्रा है, बस में बैठ के घूम रहे हैं और लोगों से मिल नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ ये प्रचार किया था इन्होंने कि वाल्मीकि समाज के मंदिर पर दर्शन करेंगे जी, अब वो बेचारे राहुल गांधी वाल्मीकि कौन है समझते नहीं, किसी ने बाद में समझाई वो तो सफाई कर्मी है तो मना कर दिया वहां नहीं जाऊंगा। और जितने भी हिंदू गांव आए कहीं नहीं रुका, केवल मस्जिद के सामने कोई 100-200 लोग टोपी लगाए खड़े थे, वहां रुकने के बाद लेके चले गए। तो ये काहे की यात्रा है इनकी, ये चलता फिरता सर्कस है और जिसको देखने के लिए निःशुल्क लोग आ रहे हैं। तो क्या लगता है सर 2023 का राजनीतिक समीकरण राजस्थान में किस तरीके से हो सकता है? कोई समीकरण है ही नहीं ना, एक तरफा, जिस प्रकार से गुजरात में हुआ, जिस प्रकार से यूपी में हुआ था जी, वही राजस्थान में होने वाला है। बीजेपी की तैयारियां पूरी है? बीजेपी की तैयारियां पूरी तरह से तैयार है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा की दे रही और जनता भी इंतजार कर रही कि कब पेटी में मत डालने का दिन आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और क्या लगता है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है राजस्थान में ये निमट पाएगा? मिटे कि न मिटे हम उसमें जाना नहीं चाहते, कि इनका आंतरिक मामला है जी। लेकिन जनता में तो साफ हो गया है कि ये जिस प्रकार से चोर चोरी करके लाते हैं ना, फिर बंटवारे में लड़ते हैं, उस प्रकार की लड़ाई हो रही है। चलिए दिलावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।